हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी के पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ आठ भाईचारा का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा भाग है और अभ्यास का दूसरा भाग है। हमने लास्ट क्लास में अभ्यास का पहला भाग कर लिया था, आज हम अभ्यास का तीसरा भाग करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या तीन, आपकी बात। देखो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ प्रश्न दिए हैं और पहले भी मैंने आपको बताया है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप से देने हैं, कहानी में से नहीं देने, खुद से ही अपनी कल्पना से देने हैं, अपनी बात बतानी है। ठीक है, देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो प्रश्न करा दिए थे, इन पर चर्चा हमने कर ली थी। आई होप आपने इनके उत्तर भी लिख लिए होंगे। आज हम बच्चों इससे आगे का अभ्यास करने वाले हैं, मतलब आज हम प्रश्न संख्या तीन के भाग गै से शुरू करेंगे। अब गै प्रश्न है कि आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कौन कौन से काम करते हैं। बताओ कौन कौन से काम करते हैं भाई बहन के साथ मिलकर। जानवरों के बच्चों की सहायता करते हैं और क्या करते हैं, पक्षियों के लिए कुछ करते हैं आप। उनके लिए पीने के लिए पानी रखते हैं, कहाँ, छत के ऊपर ना। और क्या करते हैं, दाना भी डालते हैं उनके लिए, पक्षियों के लिए, है ना। और घर के बाहर जो गली के कुत्ते होते हैं या आवारा पशु होते हैं जो ऐसे ही घूमने के लिए आ जाते हैं, जैसे गाय या बैल, कभी कभी गौशाला और बैलशाला से निकल आते हैं, है ना, तो उनके लिए भी घरों के बाहर पानी रखते होंगे आप, है ना। छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं ना। और जो कुत्ते होते हैं उनके लिए भी पानी रखा जा सकता है घर के बाहर। ऐसे छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं, है ना बच्चों। अच्छे लगते हैं ऐसे काम करने, है ना। किसी जीव का पेट भरता है या किसी जीव की प्यास बुझती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है। चलिए अब अगला है घै। इस कहानी का कोई और शीर्षक बताएं। बताओ कोई और शीर्षक बता सकते हो। परोपकार हो सकता है, दया भावना हो सकता है, और दो से पांच। वेरी गुड, दो से पांच भी हो सकता है ना। या कुछ और सोचो, क्या नाम रख सकते हो कहानी का। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, नाम, कुछ एक नाम दे देना, है ना। कहानी का नाम होता है ना, उसे टाइटल कहते हैं, शीर्षक कहते हैं। नेकी का नतीजा, है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। खरगोश ने नेकी की ना। और कुछ नाम, कुछ शीर्षक सोचेंगे आप कहानी के, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे, बुक में ही लिख देना बेशक। ठीक है बच्चों, ये तो आ जाएगा, यहाँ पर जगह काफी है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों पेज नंबर 40 पर प्रश्न संख्या चार, सही विकल्प पर गोला लगाएं। देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन्हीं के सही विकल्प पर हमें गोला लगाना है, समझना है कि पंक्तियों में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, ठीक है। और उनके तीन ऑप्शंस, तीन विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर हमें बताना है, सही विकल्प, ठीक है। देखो जैसे क्या है, बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था। अब नीचे विकल्प दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन बेचता था। ए है सुनहरा खरगोश, ब सफेद खरगोश, स दोनों खरगोश। तो बताओ बच्चों इन तीनों में से कौन बेचता था सब्जियां और फल। देखो सफेद खरगोश तो खेती करता था, है ना, और सुनहरा खरगोश बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था। तो सही उत्तर कौन सा है, ए सुनहरा खरगोश। तो हमने ए विकल्प पर गोला लगा दिया। अब है खै, खरगोश को काले सांप से बचाया, किसने बचाया था, याद है ना आपको। अ बिल्ली के बच्चे ने, ब पिल्ले ने, या फिर स नेवले के बच्चे ने। बताओ किसने बचाया था काले सांप से, नेवले के बच्चे ने, स
से, तो इसका सही उत्तर है विकल्प से। इस पर हम गोला लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गे खरगोश ने खेत में बोया, क्या बोया था? अ ककड़ी, ब खरबूजा या फिर स टमाटर। क्या बोया था? खरबूजा बोया था, है ना। ककड़ी और टमाटर तो बोया नहीं था, खरबूजा बोया था ना, तो हम विकल्प ब पर गोला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब है नंबर 5 भाषा की बात। देखो क, नीचे लिखे वाक्य उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें पढ़कर सही क्रम से लिखें। देखो जैसे लिखा है बहुत प्यार खरगोश भाइयों में था, क्या आप ऐसे ही बोलते हैं? कैसे बोलते हैं बताओ मुझे एक बार, किस तरीके से बोलेंगे इस वाक्य को बोल के बताओ। खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था, ऐसे ही बोलेंगे ना। देखो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था, है ना। सही से अरेंज कर दिया है शब्दों को, मतलब सही क्रम में लगा दिया गया है। देखो ये शब्द इधर उधर हो गए थे ना, उलट पुलट हो गए थे, तो सही क्रम में लगाया था। इसी तरीके से जो आगे वाक्य दिए हुए हैं उन्हें भी हमें सही क्रम में लगाना है, उनके शब्दों को, ठीक है। देखो अब है उछलने लगा बिल्ली का बच्चा यह सुनकर, बताओ अब इसे कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बोलते हैं आप बोल कर देखो। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा उछलने लगा, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इसी सही वाक्य को यहां लिखना है। देखो बच्चों यहां मैंने लिख दिया है यह वाक्य, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने साथ घर ले आया पिल्ले को भी वह, इसको किस तरीके से बोलेंगे आप बोल कर देखो, बोलो कैसे बोलेंगे सही तरीके से, जैसे आप बोलते हैं। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इसी वाक्य को यहाँ लिख देंगे। देखो बच्चों मैंने लिख दिया है यहाँ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाई रहने लगे चैन से पांचों उस घर में। अब यह बताओ वाक्य किस तरीके से बोलेंगे आप, सही तरह से अरेंज करेंगे, सही क्रम में लगाएंगे इसके शब्दों को, बताओ कैसे बोलेंगे। पांचों भाई उस घर में चैन से रहने लगे, ऐसे कहेंगे ना, तो इसे भी यहां लिख देंगे। देखो बच्चों हो गया यह भी, है ना। देखो अब नेक्स्ट है खैर खाद दवाइयां और खाने पीने का सामान लाता था। इस वाक्य में खाने पीने शब्दों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही और शब्द जो जोड़े में आते हैं लिखें। देखो बच्चों यह एक विराम चिन्ह है और इस विराम चिन्ह का नाम होता है योजक चिन्ह। यह या तो विलोम शब्दों के बीच लगता है या फिर एक जैसे शब्दों के बीच, जैसे देखो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, खाने और पीने, ये एक जैसे शब्द हैं। क्यों हैं एक जैसे? क्योंकि खाना और पीना एक ही वर्ग से संबंधित है, है ना। तो इन दोनों के बीच क्या लगा है, इन दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें शब्द लिखने हैं जो जोड़े में आते हैं और जिनके बीच योजक चिन्ह लगता है, जैसे उठना बैठना और पढ़ना लिखना, तन मन चलना फिरना, रहना सहना, है ना, और आना जाना, विलोम है ना एक दूसरे के, आना और जाना। तो यहां पर हम कुछ शब्द लिख देंगे। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए हैं जिनके बीच योजक चिन्ह लगता है, आप भी कुछ शब्द अपनी तरफ से लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ अभ्यास समाप्त होता है। बच्चों इस पाठ के 3 भाग मैंने बनाए हैं, वे तीनों भाग देखने के लिए और बाकी पाठों की वीडियोस एवं बाकी विषयों की वीडियोस देखने के लिए और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एन एडुकेटर पर जाकर आप देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें,
ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।